Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Online Classes. Today we are going to discuss a new topic, that is tense. Actually, ये न्यू नहीं है, मेरे चैनल के लिए न्यू है, लेकिन आप लोगों ने स्कूल सेक्शन में, अगर आप स्कूल सेक्शन में तो स्कूल में आप लोग पढ़ते होंगे, अगर आपके स्कूल वाले पढ़ाएंगे तो कॉलेज सेक्शन में है तो आप लोगों ने स्कूल सेक्शन में पढ़ा होगा, फिर आपको कॉलेज सेक्शन में पढ़ रहे हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या कोई भी आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको टेंस जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज आजकल की जो लाइफ है, आजकल की लाइफ में हमें इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं तो आपको कहीं भी अपना स्टैंडर्ड कर सकते हो, कि आप जम सकते हैं, फेस कर सकते हैं लोगों को। सो नाउअडेज इंग्लिश स्पीकिंग हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एवरीबॉडी शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं परेशानी मिलेगी, लोगों से शर्मिंदा होना पड़ेगा, एम्बेरस फील होता रहेगा। तो मैंने ये ठान लिया है कि हमारे इंडियन पीपल को मैं ऐसा फेस करने नहीं दूंगा, मैं पूरा आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग, सारे ग्रामर सब कुछ सिखाऊंगा, ए टू जेड ये आपको इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन को आप लोग दबाइए। इससे क्या होगा, मेरे जो भी अगली वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, यस। और जैसा कि मैंने बताया था, मैं स्कूल सेक्शन हो गया, कॉलेज सेक्शन हो गया, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे एग्जाम, नेट सेट एग्जाम, सारे एग्जाम्स के जो भी सारे एग्जाम के सिलेबस को अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। और हमारा एक इंग्लिश स्पीकिंग का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, ग्रामर का सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है, तो सब सारे टॉपिक्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। बस मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ, आप लोग मेरे वीडियोज को शेयर कीजिए, दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, जो भी टॉपिक आप लोग चाहते हैं उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए। ओके, तो ठीक है, बस इतना ही। अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्कूल सेक्शन में टेंस पढ़ा होगा, कॉलेज सेक्शन में पढ़ रहे हैं, या आप लोगों ने अपने लाइफ में कोई नहीं है ऐसा जिसने टेंस ना सुना। ओके, टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, टेल मी एनीबॉडी, टेंस मींस व्हाट? टेंस को क्या कह सकते हैं हम? काल, क्या कहते हैं? काल। ओके, काल मतलब समय। ओके, टाइम, कितनी तरह के काल हो सकते हैं, कितनी तरह के टेंस हो सकते हैं। मोस्टली आप लोग जानते हैं कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। यस, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। कितने टेंस होते हैं मोस्टली? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। कितने? थ्री टेंस हो गए। दे आर नोन एज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, अभी प्रेजेंट टेंस के भी फोर टाइप्स हो गए, पास्ट टेंस के फोर टाइप्स हो गए, फ्यूचर टेंस के फोर टाइप्स हो गए। ओके, तो अभी थ्री टेंस है, हर एक के फोर फोर टाइप्स, सो थ्री फोर सा 12, सो इट मींस देयर आर 12 टेंसेस। कितने टेंसेस है? 12। आप लोग को अभी तक यही सिखाया गया है कि देयर आर ओनली 12 टेंसेस, सिर्फ और सिर्फ 12 टेंसेस है। बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू लर्न अ गुड इंग्लिश, ओके, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो यू शुड नो दैट देर आर नॉट ओनली 12 टेंसेस बट देर आर 15 टेंसेस। कितने टेंसेस है? 15। बोलेंगे ये कैसे सर, आप लोग आप अभी तक तो हम लोगों ने सिखा है देर आर ओनली 12 टेंसेस, आप बोल रहे 15 टेंसेस है। यस, मैं प्रूव करके बता देता हूं। देखिए, प्रेजेंट टेंस फोर टाइप्स, पास्ट टेंस फोर टाइप, फ्यूचर टेंस फोर टाइप, इट बिकम थ्री टेंस हो गए, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, हर एक के फोर टाइप, थ्री फोर जार 12। आप लोग ये भूल गए कि प्रेजेंट टेंस भी एक टेंस है, पास्ट टेंस भी एक टेंस है, फ्यूचर टेंस भी एक टेंस है। ओके, तो 12 प्लस 3 बिकम 15 टेंस। ओके, ये 15 टेंस हो गया। ओके, सो देयर आर 15 टेंसेस। ओके, यस, सपोज मैं बोलू जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम क्या है? स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश यही होगा, वी आर स्टूडेंट्स, राइट? ओके, ये कौन सा टेंस है, कौन बताएगा मुझे? आप लोग खुद सोचिए और कमेंट कीजिए। ओके, बताइए कौन सा टेंस है ये? वी आर स्टूडेंट्स, वेदर इट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखिए, मैं जैसा सोच रहा हूँ सही है, कुछ लोगों ने आर देखा होगा, कुछ लोगों ने आर देखा होगा, उनको याद आएगा, हाँ हम लोगों ने आर पढ़ा था इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो तुरंत बोलेंगे दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे वो? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन रॉन्ग, दिस इज नॉट अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट टेंस। मैं ये भी नहीं कहता ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नो, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर मैं लिखा वह खेलता है, मैं लिखता हूं ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट
खेलता है. सो दिस इज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं आप, इंडेफिनाइट भी बोल सकते हैं. ही प्लेज क्रिकेट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया. सिंपल प्रेजेंट बोलो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो, लेकिन वी आर स्टूडेंट्स. दिस इज नॉट अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट टेंस. ये सिर्फ क्या है, पीटी, पीटी प्रेजेंट टेंस. ओके यस. उसी तरह पास्ट टेंस भी एक टाइप हो गया, फ्यूचर टेंस भी एक टाइप हो गया. ओके यस. सो आज हम लोग आज दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन लेक्चर फॉर टेंस. ओके, जैसे आप लोग देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये तो दो नाम हो गए इसके ही. आप प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, एक ही बात है. ओके यस. जैसे कि यहाँ पे फोर टाइप्स है, हर एक में फोर टाइप्स है, तो 12 टेंसेस होते हैं. ओके, आप लोग एंड तक वीडियो देखिए तो आप लोगों को कुछ अच्छी बात इसमें पता चल जाएगी. अभी यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब होता है एस एन ई एस, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, इसके ऊपर भी मेरी एक स्पेशल वीडियो आने वाली है. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, व्हाट इज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है, ये सबके ऊपर मैं एक अच्छा स्पेशल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ. जैसा आप लोग कमेंट करेंगे वैसा वीडियो अपलोड होता रहेगा. ओके, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया. देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज एंड हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज बीन, एंड नेक्स्ट इज हैव बीन. इट्स वेरी इजी, एक्चुअली इट्स वेरी इजी. सी, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वही किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. बस यहाँ पे क्या लग गया, वी डबल ई एन पी. ओके, सेम पास्ट टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो पास्ट टेंस में या तो आपका सेकंड फॉर्म आता है या तो डिड आएगा. व्हेनेवर, अभी मैं अगले लेक्चर में बाकी बताऊंगा डिड कब यूज होता है. जब भी हमको क्वेश्चन पूछना होता है, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मेक इंटरोगेटिव टेंस, देन इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन वी हैव टू अप्लाई डिड. ओके, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. नाउ पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, वाज वर, वाज वर इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, ओनली हैव, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है बीन. ओके, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है. ओके यस. नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल, विल शैल. कुछ लोग इसको शैल भी बोलते हैं, आप शैल भी बोल सकते हैं, शैल भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस कुछ नहीं, सिर्फ विल बी शैल बी, सिर्फ क्या लग गया बी. फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव, नेक्स्ट shall have, will have, shall have, उसके बाद shall have या shall have, जो भी बोलना हो सकते. आगे है इसमें will have been, and next is shall have. Okay, yes. ये मैंने बताया आप लोग को helping verb क्या क्या है. okay, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए. अभी इसमें कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब, वर्ब क्या होता है. ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गए. ओके, जो हेल्प कर रहे हैं सेंटेंसेस को बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए. ओके, मेन वर्ब क्या होते हैं, जैसे कोई एक्शन होता है ना, कोई एक्टिविटी, ही इज प्लेइंग, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो प्ले क्या हो गया, खेलना होगा, ये क्या है, एक्टिविटी है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, आईएनजी वर्ब, पास्ट परफेक्ट वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स. वो सब आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में मिलता रहेगा. ओके यस. सो अभी यहाँ पे जो रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म. ओके, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वैसी एज इट इज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी. सेम प्रेजेंट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म. सपोज आई राइट हियर ईट, खाना, एट, खाया, eaten, first form, second form, third form. तो यहाँ पे eaten आएगा, क्या आएगा, eaten. हाँ, याद रखना present perfect tense, वो चाहे present का हो perfect tense present का हो, past का हो या future का हो, वहां पे हमेशा क्या आएगा, वहां पे हमेशा आएगा verb का third form, verb का third form. यहाँ पे भी आएगा verb का third form. okay, yes, main verb का third form आएगा. नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे क्या आएगा, सेम कंटिन्यूअस जैसा ही रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सेम हियर आल्सो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सेम हियर आल्सो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ऐसा ही आते रहेगा ये, तो
फिर उसके बाद अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, सेम कंटिन्यूअस की बात करें तो सेम वही आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, परफेक्ट की बात करें वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, जब मैं कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, जब मैं कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ तो सब में कंटिन्यूअस में क्या आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके साथ क्या आएगा, प्लस आईएनजी। और परफेक्ट की बात करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सेम तीनों सेंटेंस, तीनों टेंसेस में यही होने वाला है। तो आप लोग ये याद रखिए, देयर आर नॉट ओनली 12 टेंसेस, कितने टेंसेस होते हैं टोटल, डिफरेंट टेंसेस, इसके ऊपर आगे भी वीडियो आती रहेगी। ओके बस आज के लिए इतना ही, आप लोग टेंसेस बाहर करके रखिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को हेल्प हो कितनी तरह के टेंसेस होते हैं। ओके आज के लिए इतना ही, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, किसी को कोई डाउट हो, कोई और ग्रामर टॉपिक चाहिए, एनी अदर टॉपिक रिलेटेड विद साइंस, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, बीके, ओके, रेलवे एग्जाम, नेट सेट एग्जाम, टीईटी, एलएलबी एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, थैंक यू वेरी मच, सी यू।